2019 की शुरुआत से चांद पर काम कर रहा है चीन का रोवर। चांद पर रूस का लूना 25 भी करने वाला था एक साल पूरा, लेकिन भारत का रोवर क्यों कर रहा है केवल 14 दिन ही काम? आखिर क्या है वो तकनीक जो अगर चंद्रयान 3 में लगी होती तो 14 दिन नहीं कई महीनों काम करता इसरो का चंद्रयान 3? क्या है इसरो की गुप्त तकनीक जिसे देख नासा और चीन भी हैरान? दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर चुका है। उसका रोवर प्रज्ञान बाहर निकल करके धमाल मचा रहा है और दोस्तों वो अब 14 दिनों तक लगातार काम करता रहेगा बिना थके बिना रुके। और दोस्तों इसमें भी अब 3 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी अब केवल 11 दिन का ही वक्त बचा है जब रोवर दुनिया के सबसे जटिल और अनसुलझे रहस्यों को बाहर लेकर के आएगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों सबके मन में एक सवाल उभर करके सामने आ रहा है कि जब चीन कई सालों तक अपने रोवर से काम ले रहा है, नासा तो मंगल पर ऐसा लगातार ही करता जा रहा है, तो रूस का लूना 25 भी चांद पर एक साल पूरा करने वाला था, लेकिन इसरो का रोवर प्रज्ञान क्यों 14 दिन ही काम करेगा? वो अगर एक साल काम करता तो फिर क्या होता? क्या रोवर प्रज्ञान चांद के ऊपर टहलकर और भी ज्यादा रहस्यों को लेकर के सामने आ सकता था? क्यों इसरो ने रोवर में जानबूझकर के वो तकनीक नहीं लगाई जो लंबे वक्त तक चल सकती थी? और आखिर कैसे काम करती है वो तकनीक जो यान को सालों साल चला सकती है? दोस्तों ये ऐसे सवाल हैं जो ज्वलंत हैं हर भारतीय के मन में, और इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि रूस अपने चंद्र मिशन को फेल करवा करके क्यों अब भारत की ओर दौड़ पड़ा है, क्यों वो जापान की तरह ही इसरो के साथ अपने मिशन लॉन्च करवा लेना चाहता है। इसरो के पास वो कौन सी तकनीक है जिसे पाने के लिए अब रूस तड़प उठा है? तो दोस्तों ये बात मैं वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी से आपको रूबरू करवाता हूं जिससे इसरो चाहता तो रोवर प्रज्ञान में फिट कर सकता था, जिसके बाद रोवर 14 दिन नहीं बल्कि उसके आगे भी लगातार काम करता रहता, लेकिन उसे जानबूझ करके ऐसा नहीं किया गया है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसरो क्यों ऐसा नहीं करना चाहता था? तो दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि तमाम रिस्क के बावजूद भी इसरो ने चांद के उस पॉइंट को चुना है जो बेहद खास है। ऊपर से भारत ने ऐसा काम भी किया है जो शायद दुनिया की कोई भी एजेंसी नहीं करना चाहती है। तो दोस्तों ये वो तकनीक है जो अपने आप में बेहद खास है, लेकिन इसरो ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। ये तकनीक है रेडियो एक्टिव एनर्जी। दोस्तों इस मामले में वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर रोवर प्रज्ञान में रेडियो एक्टिव के माध्यम से एनर्जी का संचालन किया जाता तो ये 14 दिनों से ज्यादा चांद की सतह के ऊपर ऊर्जा लेकर के काम करता रहता, लेकिन चंद्रमा पर जो भी जानकारी वैज्ञानिकों को चाहिए थी वो महज 14 दिनों के अंदर ही पर्याप्त रूप से मिल जाएंगी, लिहाजा ज्यादा लंबे वक्त तक इसे चलाने में बड़ा फायदा नहीं था। हालांकि कुछ देशों की स्पेस एजेंसियों ने रेडियो एक्टिव पदार्थ लगा करके ऐसे ग्रहों पर शोध करना शुरू कर दिया है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, वहां पर वैज्ञानिक उपकरणों में रेडियो एक्टिव पदार्थों के माध्यम से एनर्जी को संचालित करते हैं ताकि भेजे गए उपकरण कम्युनिकेट करते रहें। जुपिटर और सैटर्न पर कुछ स्पेस एजेंसियों ने रेडियो एक्टिव पदार्थ के माध्यम से एनर्जी का संचालन करने की कोशिश की है, और इसमें सबसे बड़ा नाम है नासा का, क्योंकि दोस्तों जहां सूरज नहीं पहुंचता है वहां रेडियो एक्टिव एनर्जी के जरिए लैंडर और रोवर को लगातार चलाया जा सकता है। दोस्तों रूस का लूना 25 भी इसी एनर्जी से काम करने वाला था, तो वहीं चीन ने जो यान भेजा था उसमें भी ये टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। चीन का रोवर U22 अभी भी चांद के ऊपर काम कर रहा है, ये साल 2019 से लगातार काम कर रहा है और अभी भी चंद्रमा की सतह पर लगातार घूम रहा है। दोस्तों ये धरती के 2 सप्ताह की चंद्र रात के दौरान बंद हो जाता है और फिर जैसे ही सवेरा होता है ये फिर से 14 दिनों या 15 दिनों के लिए लगातार काम करता है। दोस्तों इससे पहले चीन ने अपना पहला रोवर U21 दिसंबर 2013 में सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारा था और ये भी 31 महीनों तक लगातार चला था, और इसके बाद में ये अगस्त 2016 के अंदर क्रैश हो गया था, लेकिन उससे पहले ये लंबे वक्त तक चलता रहा। अब दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के वैज्ञानिकों का कहना है कि रोवर के बाहर आने के बाद से ही अब चंद्रमा की सतह से संबंधित जानकारियां लगातार मिल रही हैं। 14 दिनों के भीतर रोवर और लैंडर वैज्ञानिकों को सारे के सारे चंद्रमा के इनपुट्स भेज देगा, क्योंकि दोस्तों 14 दिनों के बाद इतने ही दिनों के लिए रात हो जाएगी, लिहाजा वहां पर मिशन का जीवन चक्र चलना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा पर 14 दिन के लिए होने वाले एक चंद्र दिवस
यानी कि सूरज की जो रोशनी है, उसकी एनर्जी है, उसके पहुंचने वाले टाइम में रोवर और लैंडर दक्षिण ध्रुव की तमाम जानकारियां और भविष्य में किए जाने वाले शोध के तथ्यों को वैज्ञानिकों से शेयर कर देगा। 14 दिनों के भीतर ही रोवर चांद पर अपने तय रास्ते को न केवल पूरा कर लेगा बल्कि अपनी सभी इंफॉर्मेशन भी इसरो के हेडक्वार्टर में भेज देगा। सिर्फ रोवर ही नहीं बल्कि लैंडर के माध्यम से भी जो भी सूचनाएं हैं और पूरी की पूरी जो जानकारी है वो लगातार मिलती रहेगी। लैंडर और रोवर 14 दिनों तक पूरी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी भारत का लैंडर और रोवर ये बड़ा काम करता रहेगा। दोस्तों इसके बाद यानी कि 14 दिनों के बाद वहां पर भेजे गए उपकरणों में कितनी एनर्जी बची हुई है इसका आकलन किया जाएगा। वैसे दोस्तों इसके बाद भी वैज्ञानिकों की ओर से लैंडर और रोवर से संपर्क साधने की लगातार कोशिशें जारी रहेंगी लेकिन इसकी संभावना नहीं के बराबर लगती है कि उनसे संपर्क बना रहेगा। दरअसल दोस्तों चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तापमान रात के वक्त -200 डिग्री के करीब हो जाता है। ऐसे में किसी भी उपकरण के बचने की संभावना खास तौर से कम्युनिकेशन के लिहाज से नगण्य हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक ऐसी खबर है जो आपको भी हैरान करके रख देगी क्योंकि अब चीन छोड़िए रूस भारत के इसरो से जलने लग गया है। क्योंकि दोस्तों इसरो के पास वो तकनीक है जिसे पाने के लिए रूस आज सबसे ज्यादा बेचैन हो उठा है क्योंकि रूस का लूना 25 मिशन चांद के ऊपर क्रैश हो चुका है। यानी वो यान जो 1650 करोड़ रुपए में तैयार हुआ था वो चांद पर जल्दी पहुंचने के चक्कर में फेल हो गया। मतलब आगे निकलने की होड़ में रूस फ्लॉप साबित हो चुका है लेकिन इसरो का चंद्रयान 3 जो महज 615 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है वो कामयाब रहा है। लिहाजा रूस अब इसरो से सब कुछ जान लेना चाहता है। इसके लिए दोस्तों उसने भारत सरकार से संपर्क भी कर लिया है। वैसे दोस्तों ये इसरो का अपना टॉप सीक्रेट है और इसरो पहले ही कह रहा था कि वो 100% एक्यूरेसी के साथ में चांद पर लैंड कर जाएगा। दोस्तों चांद पर यान को लैंड करवाने के लिए फुल्ली ऑटोनोमस रोबोट का होना बेहद जरूरी होता है जिसे लास्ट टाइम पर बताने की जरूरत ना पड़े और वो खुद ही सारे के सारे डिसीजंस ले ले और अपनी जगह का चुनाव कर ले। और दोस्तों इसरो से आए जो वीडियोस हैं उनमें आप साफ देख पा रहे हैं कि भारत का लैंडर जब उतर रहा था तो बाकायदा स्कैन करके वो खुद डिसाइड कर रहा था कि उसे कहां उतरना चाहिए और कहां पर नहीं। दोस्तों इसरो ने चंद्रयान 3 के अंदर ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली है कि हर कोई हैरान है और यही वजह है कि रूस भारत के साथ अपने मिशंस के लिए साझेदारी करना चाहता है। तो वहीं जापान तो भारत के साथ चंद्रयान 4 के लिए पहले ही जुड़ चुका है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है कॉमेंट करके जरूर बताएं।